हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सेशन भी दे रखा है, रीजन भी दे रखा है कि बेंड थ्री थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ओल। तो एक दो तीन चार कार्बन बैठा ब्यूटेन टू ओल, मतलब सेकंड नंबर पर मेरा ओएच लगा है थ्री थ्री डाई मिथाइल। तीसरे नंबर बेटा मेरे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए इस तरीके से, है ना, थ्री थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ओल इज हीटेड, ठीक है, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडर्ड एस्टोस फोर देन टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूट टू एन इज फाउंड। ठीक है, तो किसको क्या कह रहा है बेटा, हीट कर रहे हैं कंसिडर्ड एस्टोस फोर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूट टू इन फॉर्म होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो कंसिडर एस्टोसोफोर रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या बेटा, एस्टोसोफोर क्या बेटा मेरा एच पॉजिटिव और एच एसओ फोर नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, मेरा यहाँ पे कार्बोटाइन बन रहा होगा ना, सी एस थ्री सी, यहाँ पे सी एस थ्री लिखा है, यहाँ पे सी एस थ्री लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरा ओ एच पॉजिटिव साथ रिएक्शन करेगा और ओ एच टू पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले बेटा कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा बेटा वाटर का रिमूवल होकर। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सी एस थ्री। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। तो देखिए बेटा ये मेरा कैसे कार्बोटाइन है, इसमें केवल इस पे बेटा सेकेंडरी कार्बोटाइन है और केवल इस पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है बेटा ना। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, कार्बोटाइन से नेक्स्ट कार्बन देखते हैं कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा बेटा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट टेक प्लेस करेगी, मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा। मिथाइल शिफ्ट होने से क्या होगा बेटा, देखिए कार्बोटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही होगी, यहाँ दो दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बन, ये हाइड्रोजन था, मिथाइल ग्रुप बेटा मेरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी एस थ्री था ही। तो अब देखिए बेटा तीन और तीन छः और एक सात अल्फा हाइड्रोजन हो गया, मतलब काफी स्टेबल है पहली बात। तो अब इसके बाद क्या होगा बेटा, मेरा होना क्या है एक्चुअली में, तो होना क्या था बेटा, मेरा एच एस ओ फोर नेगेटिव आएगा बेटा। तो अब होगी बेटा मेरी एलिमिनेशन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, मेरा ये इस साइड भी हाइड्रोजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन है बेटा, और इस साइड भी हाइड्रोजन है ये वाला। ठीक है, ये सी एस टू के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, सी एस टू के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इन तीन जगह से बेटा मेरा क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ इन ये दोनों तो सेम ही कंडीशन में बैठे बेटा। ठीक है, तो इस ये तो ये प्रोडक्ट बन सकता है मेरा, इस अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो सी एस टू डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एस टू, यहाँ पे सी एस थ्री है ही। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है बेटा मेरा, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक तो ये बन सकता है। दूसरा बेटा ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है, ये दोनों सेम ही चीज़ थी बेटा, है ना, सेम एनवायरमेंट में है। तो दूसरे वाला क्या हो सकता है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा सी एस थ्री, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मेरा कार्बन, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। ठीक है, तो कितने अब देखिए बेटा जो ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा वो मेरा प्रोडक्ट बन रहा होगा एल्कीन में भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मेरी एल्कीन बनी है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड बन रहा है, उस नेक्स्ट कार्बन देखो कितने हाइड्रोजन है, तीन और एक चार अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जितना सब्सिट्यूट होती है बेटा उतना स्टेबल होती है, सेट जब एल्कीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोर सब्सिट्यूट एल्कीन को, यहाँ देखिए बेटा डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये वाला हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये वाला। तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा, देखिए नंबरिंग के लिए नाम लिखना वन टू थ्री फोर, है ना, तो क्या बन गया बेटा मेरा ये मतलब क्या बेटा, मेरा टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटुइन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है बेटा, परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है, है ना, करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड कहता है कि इन दिस रिएक्शन कार्बोटाइन इज फाउंड एज इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही बात है, देखिए बेटा कार्बोटाइन यही बन गया था, है ना, तो कार्बोटाइन इंटरमीडिएट बनता है। पर क्या ये एक्सप्रेशन दे रहा है बेटा रीजन की, नहीं बेटा ये एक्सप्रेशन दे रहा है, बस ये बता रहा है कि कार्बोटाइन बनता है इसके अंदर इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है बेटा, पर रीजन कोई करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है कि हुआ क्यों है ऐसा, है ना। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, पहला कहता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, नहीं बेटा एक्सप्रेशन कहाँ दे रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट ये बात सही है बेटा, पर रीजन तो बता रहा है बस कि इंटरमीडिएट बना है, उस इंटरमीडिएट बना इसलिए थोड़ी बेटा मेरा मेजर प्रोडक्ट वो बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा ना। सेकंड कहता है कि ये बात बिल्कुल सही बेटा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड कहता है कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, नहीं बेटा दोनों ही करेक्ट है। फोर्थ कहता है कि दोनों इनकरेक्ट है, नहीं बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, ऑप्शन नंबर टू परफेक्टली करेक्ट है, आई होप यू, थैंक यू सो मच।